आपने कंगारू को अपने बच्चे को पेट में बने बैग में रखकर बड़ा करते देखा होगा, लेकिन आज हम आपको ऐसी मछली के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने बच्चों को कंगारू की तरह ही बड़ा करती है। इसके लिए मछली अपने मुंह का इस्तेमाल करती है। इस मछली का नाम है साइपुथिलिया पेट्रिजा पेट्रुजा। इस अफ्रीका में पाई जाने वाली मछली की बात करें तो अपने अंडों को मुँह में इकट्ठा करती है। मेल फिश इन्हें फर्टिलाइज करता है, तब इन्हें अपने ये मुँह में रखती है, तब सारे अंडों को बच्चे जब तक बाहर ना आए तब तक अपने मुँह में रखती है। कहते हैं ना, दुर्योधन ना होता तो महाभारत ना होती। अगर आप हिंदू धर्म के इतिहास में कोई सबसे बड़े खलनायक की बात करते हैं तो वो सिर्फ दुर्योधन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खलनायक का भी एक मंदिर है, वो भी देवों की भूमि उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक गांव है जकाल में, दुर्योधन के नाम की मंदिर है। खासियत ये है, दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां दुर्योधन को ये समर्पित है। इससे ये बात क्लियर होती है, दुर्योधन खलनायक नहीं बल्कि नायक है। हालांकि इन गाँव के लोगों का कहना है कि पूर्वज महाभारत की लड़ाई में दुर्योधन की तरफ से लड़े थे और दुर्योधन ने कई उपकार भी किए हैं। इनके पूर्वजों का भरण पोषण से लेकर हर चीज का ख्याल दुर्योधन ने रखा था। तो वही दुनिया भर के लिए दुर्योधन खलनायक है। गांव वालों के लिए एक आदर्श शिष्य है, आदर्श दोस्त था, इसीलिए लोग इन्हें भगवान की तरह पूछते हैं। बड़े बाड़ों में पशुओं को चारा डालने के लिए कई लोगों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में बाड़ों के मालिक को काफी पैसे खर्चने होते हैं। हार्ड्समैन BHMB नाम की एक मशीन जो बड़ी आसानी से ये काम कर लेती है। बॉक्स को चारे में डाला जाता है, मशीन के मेन बॉक्स में चारे को डाला जाता है, चारा काफी बारीक कट जाता है और कुछ इस तरीके से मशीन इस कटे हुए चारे को पशुओं के सामने डाल देती है। कई बार इंसानों और जानवरों के बीच ऐसा बॉन्ड बन जाता है कि एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन जाते हैं। ऐसे ही परफेक्ट एग्जांपल को इस फोटो में देख लीजिए, जहां ईरान के एक हॉस्पिटल में क्लिक की गई कुछ फोटो में एक कबूतर एक बीमार व्यक्ति के पैर पर कुछ ऐसा बैठा है। हॉस्पिटल के स्टाफ का ये कहना था कि 2 दिन से आदमी हॉस्पिटल में भर्ती है, इसे कोई मिलने नहीं आया। लगातार 2 दिन से कबूतर इनसे मिलने आते थे। इससे ये पता चलता है कि बुजुर्ग कबूतरों को दाना डालने के लिए समुद्र के किनारे जाया करते थे। मोबाइल चिपसेट बनाने वाली क्वालकॉम ने कुछ ऐसा बनाया जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। स्मार्ट क्यूबर चश्मा, जो चश्मा नहीं बल्कि ऑक्यूमेंटेड ग्लास है। भाषा में बोले तो सामने मौजूद एक स्क्रीन में देख सकते हैं। चश्मा असल में एक वर्चुअल स्क्रीन है जो मोबाइल से कनेक्ट की जा सकती है, जिसे आप डिवाइस बिना हाथ लगाए चारों तरफ चलेगी, उंगली नहीं बल्कि आँखों के इशारे से, जिसे आप किसी भी तरह की फिल्म और फोटोज आसानी से देख सकेंगे। सिविल लाइंस बिछाने के लिए आमतौर पर JCB मशीन की जरूरत होती है। ऐसे में मजदूरों को काफी मेहनत करनी पड़ती है। मजदूरों को मेहनत कम करना पड़े इसलिए ये डिजाइन की गई। ये रोवर इलेक्ट्रॉन मशीन है जो अपनी चोंच जैसी हुक से पाइप को उसी जगह पर रख देती है जिससे पिछला सिरा मौजूद था। ऐसे में मजदूरों को पाइप फिक्स करने में जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ती और ये काफी जल्दी भी हो जाता है काम। आर्यन पासा को देखकर आप क्या सोच सकते हैं कि बचपन में इस गबरू जवान को बच्चे परेशान करते थे, लेकिन क्या अगर वही बच्चा आज हमें इस बॉडी बिल्डिंग करते इस फॉर्म में नज़र आए, जिसके डोले शोले तो देखिए, अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर भी लोग हैरान हो जाएं, मजबूर हो जाएं इनके बारे में। लेकिन एक बात आपको बता दें कि पैदा लड़की के रूप में हुए थे, जिसके चलते स्कूल में बच्चे काफ़ी टॉन्ट मारा करते थे। जैसे जैसे बड़े होते गए लड़कों की तरफ झुकाव ज़्यादा होने लगा। इन्हीं सब को देख के सिर्फ 15 साल की उम्र अपनी लगन और मेहनत से बॉडी को इतना मजबूत किया, ताकतवर बन गए कि आज ट्रांसजेंडर बॉडी बिल्डर हैं और अपनी पुरानी जिंदगी नायला को छोड़कर अब आर्यन बन चुके हैं।